नमस्कार, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग अपनी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप लोग EVS, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स हर एक टॉपिक को कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने इंग्लिश में मैंने आपको पढ़ाया है नाउन, ठीक है, मैंने आपको हर एक चीज बताया है, लेकिन हिंदी में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पोएम करवाया हुआ है। तो हिंदी के अगर ग्रामर चैप्टर के लिए आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना रहे तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी संज्ञा, संज्ञा चैप्टर आप लोग बच्चों को कैसे बताएंगे ये आज हम लोग देखेंगे, ओके। तो हेलो बच्चों, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग बताएंगे कि आज दिनांक क्या है। आज दिनांक है 6, है ना। आज दिनांक क्या है? आज दिनांक है 6 अप्रैल 2023। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, है ना, हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, ठीक। तो उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगी। आप लोग भी मुझसे बात करना चाहते हो ना, ओके। तो आप लोग बताइए मुझे कुछ अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में, है ना, कि आप लोगों की सबसे अच्छी अच्छी चीजें आपको जो पसंद है वो क्या है, मुझे भी बताइए और मैं आपको भी बता दूंगी, ठीक है। तो आप बताइए कि आपका पसंदीदा फल कौन सा है। आपका पसंदीदा फल कौन सा है? आम, ठीक है, आम, ठीक। आपका पसंदीदा फल है आम, ठीक। और यहाँ पे कुछ रखी हुई चीज बताइए आप लोगों को ना। आज मैं एक काम देती हूँ कि आप लोग मुझे जितना भी एग्जाम्पल बताओगे, जो भी इस रूम में रखा हुआ आपको मिलेगा, आपको उसी का बस नाम लेना है, ठीक है। कमरे में जितनी भी चीजें आपको रखी हुई मिलेंगी, आप लोग सिर्फ इसी का उदाहरण हमको देंगे, ठीक है। और क्या? कुर्सी। अच्छा, कुर्सी भी आपको दिख गई। और क्या दिख रहा है? और दिख रहा है मेज। वेरी गुड, मेज, बहुत ही बढ़िया। और क्या दिख रहा है? पंखा। पंखा भी दिख रहा है, ठीक। आप लोग तो बड़े ही अच्छे हो। और क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या दिख रहा है? ग्लास। ग्लास भी रखा हुआ दिख गया, बहुत ही बढ़िया। और ये तो रही इस रूम की बात, ठीक है। अब ये बात यही समाप्त करते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि आपका पालतू जानवर, सबसे बढ़िया पालतू जानवर आपको कौन सा लगता है? तोता, बहुत ही बढ़िया, तोता लगता है आपको, ठीक है। आपके राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? राष्ट्रीय पशु क्या नाम है? बाघ, बहुत ही बढ़िया, बाघ, है ना, ठीक। ये सब कुछ हमें कौन बताया है? श्रेया बताई है ना, श्रेया बताई है। और कौन बताया है? राहुल बताए हैं, है ना। और कौन बताया है? ठीक है, राहुल बताए हैं, राहुल, ठीक। और किसने बताया है? आरती ने भी बताया हमको, ठीक, आरती ने भी बताया। सारे बच्चों ने हमको कुछ न कुछ इसमें बताया है। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये सब कुछ क्या नजर आ रहा है, ये सब कुछ है क्या? ये सब कुछ क्या है? नाम है। क्या है? नाम है, है ना, किसी का नाम है, किसी पक्षी का नाम है, किसी जानवर का नाम है, किसी इंसान का नाम है, किसी चीज का नाम है। तो ये सब क्या है? ये सब नाम ही तो है। और ऐसे शब्द जो कि नाम को प्रदर्शित करते हैं, नाम को दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको बोलते हैं संज्ञा। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग? संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। संज्ञा क्या? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम लोग क्या बोल देते हैं? संज्ञा बोल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, है ना, वस्तु, है ना, और स्थान, स्थान जैसे हम लोग ले लें आगरा, है ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, भाव जैसे दुखी, खुश, है ना, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या? एक नाम ही तो है, नाम ही तो दिखा रहा है। और ऐसे शब्द जो हमें किसी का नाम बताते हैं, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी का भी नाम हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? संज्ञा बोल देते हैं। सबको समझ में आ गया? तो उदाहरण, हम कुछ वाक्य यहाँ पे लिख रहे हैं और आप लोग हमको बताएंगे कि उसमें संज्ञा क्या है। उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण ले ले, उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण हम ले लेते हैं किसका? हम उदाहरण ले लेते हैं किसका? श्रेया का। श्रेया, श्रेया, श्रेया क्योंकि बहुत ही अच्छा गाना गाती है ना, तो श्रेया गाना गाती है ना, गाती है। उसके बाद गाय दूध देती है ना, गाय दूध देती है, और दूध रोज पीना चाहिए, है ना।
क्योंकि दूध में सभी प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी को छोड़ के, ये तो मैंने आपको जीके का भी क्वेश्चन बता दिया, दूध में सभी प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं सिर्फ विटामिन सी को छोड़ के, याद रखेंगे सभी लोग। तो अब यहाँ आइए, वाक्य क्या दिख रहा है आपको, वाक्य दिख रहा है श्रेया गाना गाती है और दूसरा वाक्य दिख रहा है गाय दूध देती है। तो कौन हमको बताएगा कि इसमें संज्ञा क्या है, सभी लोग बताएंगे, सबको आ रहा है क्या, तो एक साथ बोलिए इसमें संज्ञा क्या है। श्रेया, वेरी गुड, श्रेया क्या है, संज्ञा है। और इस वाले वाक्य में, इस वाक्य में क्या है, संज्ञा क्या है, किसको किसको पता है, अच्छा सबको पता है, वेरी गुड। तो एक साथ बोलिए कि इसमें संज्ञा क्या है, गाय, बहुत ही बढ़िया, गाय इसमें संज्ञा है, ठीक। तो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है आज संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, नाम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या बोल देते हैं, संज्ञा बोल देते हैं, ठीक है। और मैंने आपको वाक्य भी दिए हुए हैं, श्रेया गाना गाती है इसमें श्रेया संज्ञा है, और गाय दूध देती है इसमें गाय संज्ञा है। सबको समझ में आ गया। तो आप लोग अपने घर पे होमवर्क आपका है कि घर पे आप लोग 5 वाक्य लिखेंगे जिसमें संज्ञा का प्रयोग आप लोग करेंगे, ठीक है। उन वाक्यों में संज्ञा क्या है ये आप लोग हमको बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा संज्ञा चैप्टर। अगर आप लोग चाहें तो और भी अच्छे तरीके से संज्ञा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, ठीक है। आप हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, ईवीएस, मैथ, इंग्लिश, जिसपे भी आपको चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप लोग के वीडियो जरूर बनाऊंगी। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।